मैं हूं क्राइम मदारी। साइबर सिटी गुरुग्राम में तालाब में डूबने से हुई किशोर की मौत। अन्य बच्चों के डूबने के शक पर 4 घंटे चला सर्च ऑपरेशन। थाना सेक्टर 50 प्रबंधक राजेश कुमार सहित पुलिस वाले बने गोताखोर। लोगों ने जमकर की अपनी पुलिस जी की तारीफ। साइबर सिटी गुरुग्राम में कुछ दिनों पहले गंदे नाले में डूबे 9 साल के बच्चे का अभी कोई सुराग नहीं लग पाया, वहीं आज एक और दर्दनाक हादसा हो गया। गुरुग्राम के गांव समसपुर के तालाब में दूसरे बच्चे को डूबता देख उसे बचाने के लिए तालाब में कूदे एक 15 साल के किशोर की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने किशोर को बेहोशी की हालत में तालाब से निकाला और पहुंचाया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल 5 बच्चे दोपहर करीब 12 बजे इसी तालाब पर नहाने पहुंचे थे। इस बीच मृतक सोनू भी आसपास था और उसने देखा कि एक बच्चा डूब रहा है तो वह तालाब में कूद गया। इस बीच अन्य सभी बच्चे तो तालाब से बाहर निकल गए, लेकिन सोनू गहरे पानी में डूब गया जिसकी मौत हो गई। अब होनी को कौन टाल सकता है, बेचारा सोनू गया था किसी को बचाने लेकिन खुद ही समा गया काल के गाल में। सूचना पाकर सेक्टर 50 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजेश कुमार दलबल सहित तालाब पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की टीम के साथ शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। कुछ ही देर बाद सोनू को तालाब से निकाल लिया जिसकी मौत हो चुकी थी। ये मामला उस समय पेचीदा हो गया जब आसपास जमा लोगों ने अन्य बच्चों के भी डूबने की आशंका जताई और फिर क्या था, अपनी पुलिस जी ने दिया बहादुरी का परिचय और थाना प्रबंधक राजेश कुमार सहित अन्य पुलिस वाले गोताखोर बन गए। करीब 4 घंटे चला सर्च ऑपरेशन और अंत में स्पष्ट हुआ कि तालाब में और कोई नहीं डूबा है। इसके बाद जहां लोगों ने ली राहत की सांस, तो जमकर की अपनी पुलिस जी की भी तारीफ। भाई तारीफ तो बनती भी है, वरना ऐसे में कौन अपनी जान जोखिम में डालता है। फिर भी अपनी पुलिस जी ने बिना किसी प्रवाह के तालाब में खूब लगाई डुबकी, लेकिन अफसोस यही रहा कि तालाब में डूबे सोनू को बचाया नहीं जा सका। तो साहबान, ट्रैफिक मैनेजमेंट, अपराध नियंत्रण से लेकर डंडा मार पुलिस के अलावा आज एक बार फिर पुलिस जी का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। वास्तव में अपनी पुलिस का काम काबिले तारीफ रहा, लेकिन इस तरह की घटनाओं से लोगों को लेना होगा सबक। अपने लाडलों का रखना होगा ज्यादा ध्यान, ताकि फिर ना होने पाए ऐसे दर्दनाक हादसे। तो रहिए सावधान और देखते रहिए क्राइम मदारी। क्राइम मदारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।